दबंगों ने बोला मजदूर व्यक्ति पर हमला। अजमराय स्थिति में एक खेत में पटक पटक कर 20,500 रुपए लेकर हुए फरार। पीड़ित ने आगरा एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। जाको राख वो साया मार सके न कोई वाली कहावत उस समय सच साबित हो गई, जब एक 55 वर्षीय व्यक्ति के सामने बाइक लगाकर दबंग लोग लाठी डंडों से पीटने लगे और तब तक पीटते रहे जब तक कि पीड़ित व्यक्ति अजमरा न हो गया। दरअसल आपको बता दें कि थाना कागारोल के गाँव मुर्किया के रहने वाले बलबीर सिंह पुत्र छोटे लाल जात धोबी 10 मई शाम 8 बजे बुध को बेच कर रविन्द्र के साथ मोटरसाइकिल से घर वापस आ रहा था। तभी नगला कुंवर सेन रामदास के मंदिर के पास पहुंचे तो नगला कुंवर सेन के रहने वाले सोनू तुलिया मोनू पुत्र स्वर्गीय सुरेश सिंह के लड़के ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। रविंद्र देख कर वहां से भाग निकला और छात्र दबंगों ने लगातार बलबीर को जान से मारने की नीयत से लाठी डंडों से पीटता रहा। इसकी सूचना गांव में पहुंची तो गांव के लोग काफी तादाद में घटना वाली जगह पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जहां सूचना मिलने पर अकोला चौकी पुलिस पहुंची और करीब 1 घंटे तक पीड़ित व्यक्ति को सभी लोगों के साथ खोजने लगे। तभी किसी दूसरे खेत में बलबीर पड़ा हुआ मिला, उसके सारे कपड़े खून से लथपथ थे। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। क्या नाम है चाचा जी आपका? बलबीर सिंह। बलबीर सिंह, आपके साथ 10 मई को कोई वारदात हुई है, क्या मामला था? मैं रास्ते में आ रहा था तो भूसा बेच करके एक रास्तागीर की गाड़ी पर बैठ गया बाइक पर, तो गांव के आसपास में रामदास जी का मंदिर है वहां पर आके ये गुंडों ने मेरी रास्ता को घेर लिया। मेरे जाने पहचाने थे, इनने मेरे साथ में बातचीत की, मारपीट की, पैसे छुड़ाए और इन्हें मेरे साथ में बुरी हालत साले धोबी धोबड़े सत्य की बातचीत की गाली गलौज की। अच्छा, कितने रुपए थे आपके? 20,500। अच्छा, 20,500 रुपये। ये लोग तुम जानते हो कहाँ के हैं? ये नगला कुंवर सेन के। क्या नाम क्या था इनका? इनका नाम सोनू तुलिया और मोनू। अच्छा, आपने फिर पुलिस आ गई थी मौके पर? नहीं जी, मेरे को मारपीट ज़्यादा की इनने तो मैं बेहोश हो गया। जो रास्तागीर आए उन्हें एक दूसरे ने कहा भाई क्यों इसके साथ में इतनी मारपीट की है, तो उनसे माँ बहन की गाली देने लगे। वो खेतों में होकर के दौड़ पड़े अपने घर के लिए। फिर गांव में सूचना मिली कि ऐसे ऐसे मारपीट हुई है, तो गांव से आदमी पहुंचे, हाई कास्ट के भी एससी वर्ग के भी। उन्होंने जाकर के देखा तो उन्होंने एफआईआर की, फ़ोन किया 112 नंबर पर, तो वहां से प्रशासन भी 1 घंटे बाद आया। 1 घंटे बाद आकर के जब खोजना की खेती बाड़ियों में, तो देख भाल करके घंटा भर फिर गुजार दिया इनने। जब लाए सरसों के खेत में डूढ़ों में पड़ा मिला, जब चौकी इंचार्ज दरोगा साथ में खड़ा था यहाँ आए थे। हाँ, तो हॉस्पिटल थाने में मेडिकल करवाने के लिए भेज दिया था। फिर हम यहाँ से जी ले गए हमको थाने कागारोल, तो हमारे बच्चों में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो कोई FIR दर्ज नहीं कराई है। बताते हैं कि सिर में थोड़ी खरोंच, हाथ में थोड़ी चोट है। हॉस्पिटल में क्या सरकारी हॉस्पिटल में पलस्तर चढ़ा दिया था? हाँ, यहाँ से फिर हमको डिस्ट्रिक्ट भेज दिए। डिस्ट्रिक्ट पहुँचाते हुए पट्टी वट्टी कर दी, बोला कि अपने घर चले जाओ। हम अपने घर आ गए। दूसरे दिन हमको बोला कि कल आना, तुम्हारा एक्स्रा होगा। दूसरे दिन हम एक्स्रा कराने गए तो तीसरे दिन हमको एक्स्रा मिला। तीसरे दिन की डेट डाल दी, तीसरे दिन एक्स्रा मिला। उसके बाद में एक्स्रा मिलते हमको जब इसमें दिखाया कि इसमें प्लास्टर होना है, तो हम वहाँ पर उन्होंने बताया कि जाओ उस ऑफिस में, 270 रुपये की रसीद कटेगी। तो हम 270 रुपये की